ये देखो ये हाथी कैसे हेल्प कर रहा है, अपने महावत को अपने पैरों से ऊपर खींच रहा है, जिसकी वजह से वो आराम से ऊपर चढ़ पाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले हम जाने वाले हैं एलिफेंट कैंप। ये जो एलिफेंट कैंप है वो है दुबारे एलिफेंट कैंप, और यहाँ पे जाने के लिए आपको एक नदी को लिटिल बिट क्रॉस करना पड़ता है वाया बोटिंग, और वो क्रॉस करते के बाद आपको मिलता है एक एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, सो लेट जस्ट गो। एंड बहुत ही प्यारा मौसम है, और जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का पूरा एक्सपीरियंस रहता है। कोविड के वजह से बहुत सारे सिचुएशंस चेंज हुए हैं, लेकिन लेट्स सी अगर हमें चांस मिलता है कि नहीं वहाँ पे जाके एलिफेंट्स के साथ बहुत सारा फन मस्ती करने के लिए। जो दुबारे एलिफेंट कैंप है वो कुर्ग के मेडिकेरी से अराउंड 27 किलोमीटर पड़ता है, जो मेरे हिसाब से नज़दीकी है, और आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल सकते हो और एलिफेंट के साथ राइड कर सकते हो, उनको नहला सकते हो। सो लाइक बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी हमने कुर्ग छोड़ दिया था, और कुर्ग को छोड़ने के बाद अराउंड अराउंड 125 किलोमीटर्स की राइड के बाद वी रीच टू द लोकेशन जिसका नाम है नागरहोल टाइगर रिजर्व। दिस इज़ द नेशनल पार्क, और वो नेशनल पार्क के अंदर हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको हम देखने वाले, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को देखेंगे। विल ट्राई टू सी डियर्स, टाइगर्स, एवरीवन। सो आई एम सो एक्साइटेड, माई टीम इज़ सो एक्साइटेड। अभी एक बस आएगी और उसके अंदर हम जाएंगे और पूरी विजिट लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन सी, एंड यू नो लेट्स फील द वाइल्ड वाइब। ऑल्सो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क के बारे में। नागरहोल जो नाम है वो डिराइव हुआ है नागा से, नागा मतलब कि स्नेक मतलब कि सांप, और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम है जहाँ पे आपको बहुत ही सारे सांप आपको दिखे जाते हैं, और इसी वजह से जो उसका नाम है वो नागरहोल नेशनल पार्क रखा हुआ है। और ये जो पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की उसमें भी लिस्टेड है, और इसके साथ साथ बंदीपुर, मधुमलाई और वायनाड, ये तीनों नेशनल पार्क एडजेंट होते हैं, मतलब कि ये बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क को कवर करता है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एलिफेंट्स, अलग अलग टाइप के सांबा डियर, बार्किंग डियर, जैसे कि टाइगर, बंगाल टाइगर एंड
यू नो लेपर्ड भी आपको यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो लेट्स जस्ट गो एंड सी कि हमें क्या क्या दिखता है, और जो जो हमें दिखेगा उसके बारे में हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हो वो है एक्सिस डियर, जिसको स्पॉटेड डियर भी बोला जाता है, जिसको चीतल भी बोला जाता है, और ये अराउंड अराउंड 9 से 11 साल तक जीते, एंड उनकी जो टॉप स्पीड है भागने की वो अराउंड 65 टू 75 किलोमीटर पर आवर की रहती है, और उनका अराउंड जो अगर हम हाइट की बात करें तो 70 टू 90 सेंटीमीटर, और लेंथ अगर हम देखने जाए तो 1.7 मीटर का इनका रहता है। और आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो, बहुत ही प्यारे ये दिख रहे हैं और बहुत ही सारे हैं। सो ये था हमारा चीतल। तो दोस्तों आगे बढ़ते ही हमें मिल रही है ये बहुत ही प्यारी सी द इंडियन जायंट स्क्विरल, जिसको मालाबार स्क्विरल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है वो लार्जेस्ट स्क्विरल है, जिनकी जो साइज़ है वो 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक की होती है, और इनका जो फेवरेट फूड है वो है जैकफ्रूट। तो अभी आप जो देख रहे हो वो है इंडियन मॉनिटर लिजार्ड, या तो हम बोल सकते हैं बेंगेसिस लिजार्ड, जो हमें देखने मिलती है साउथ पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ पार्ट ऑफ एशियाज के अंदर। और इसकी जो चीज़ वो है कि जब मॉनसून का सीज़न होता है तब ये जो लिजार्ड है वो पॉइजनियस हो जाती है। तो ये जो बड़ा सा प्राणी आप देख रहे हो उसका नाम है पॉस गौरवस, उसका मतलब ओरिजिनल हम इंडिया में बुलाते हैं गौर, और ये जो है वो इंडियन बायसन के नाम से भी जाना जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको ये जंगल सफारी में बहुत ही मज़ा आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी या एंड हैव अ ग्रेट डे अहे। अगेन वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना।